हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे Oracle 19c ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर विंडोज़ पे इंस्टॉल करेंगे। हम एक स्टैंड अलोन सर्वर पे ये इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इसमें रैक इंस्टॉलेशन भी होता है, जो क्लस्टर बेस्ड इंस्टॉलेशन होता है, जहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस पे काम किया जाता है। ये इंस्टॉलेशन हमारा सिंगल सर्वर या स्टैंड अलोन सर्वर पे होगा। तो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा? ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ASM और Oracle रीस्टार्ट का कॉम्बिनेशन है। ASM Oracle का अपना एक फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है। जैसे कि हम लोग जब भी कोई टेबल स्पेस या लॉग फाइल या लॉग ग्रुप बनाते हैं, तो हम अपने विंडोज़ या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हैं, लेकिन Oracle प्रोवाइड करता है हमें अपना फाइल सिस्टम या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, यानी कितनी डिस्क होंगी, किस डिस्क पे कैसे हमारी फाइल्स स्टोर होंगी, वो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ASM के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमारा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ऑरेकल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सिस्टम सपोर्ट फॉर एन ऑरेकल डेटाबेस, इंक्लूडिंग वॉल्यूम मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कैपेबिलिटी। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट क्या है? जब भी ऑरेकल डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऑरेकल रीस्टार्ट उसे खुद मैनेज करता है, उसे खुद रीस्टार्ट करता है फॉर द बेटर अवेलेबिलिटी एंड बेटर स्केलेबिलिटी। ओके, तो ऑरेकल रीस्टार्ट और ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए हम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन करते हैं। ऑरेकल डेटाबेस 10G, या मैं 11G बोलूँ, तो 11G से पहले ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑरेकल डेटाबेस में ही इंस्टॉल होता था साथ में, लेकिन अब ये सेपरेटली आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अपने ऑरेकल डेटाबेस से पहले इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि हम अपने इस वीडियो में पहले ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑरेकल डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को उस डेटाबेस इंस्टॉलेशन के वक्त यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्री रिक्वेस्ट है। हमें सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली डाउनलोड करना पड़ेगा ऑरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क से, यानी ऑरेकल जो बाइनरीज हैं ऑनलाइन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये पेज ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऑरेकल 19c ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनलोड विंडोज़, और पहला लिंक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये ओपन कर रखा है ये पेज, मैं ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको क्या डाउनलोड करना है, यहाँ पे ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जिप है, ये आपको डाउनलोड करना है। ये अप्रॉक्स 2.4 GB का ये डाउनलोड है। तो आई रिकमेंड यू विल यूज़ अ डाउनलोड मैनेजर और समथिंग। यहाँ पे ये मैंने अपने डी ड्राइव में ये फोल्डर रखा हुआ है सॉफ्टवेयर में। ओके, यहाँ पे ये फोल्डर आपको मिलेगा। गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस फोल्डर का नाम कुछ और नहीं करेंगे, आप यही रखेंगे। अगर आपने इसका नाम थोड़ा भी चेंज किया, तो आपका जो विजार्ड है, सेटअप विजार्ड, वो ओपन नहीं होगा। ओके, तो आपको क्या स्टार्ट करना है, सेटअप। बट सेटअप इंस्टॉल करने से पहले, क्योंकि ऑरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ASM इंस्टॉल करता है, जो कि ऑरेकल का फाइल सिस्टम है। अब फाइल सिस्टम है, तो ऑब्वियसली उसे हार्ड डिस्क पे स्पेस चाहिए होगा, या हार्ड डिस्क उसे चाहिए होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इस फोल्डर में एक जो ग्रिड का जो आपको फोल्डर मिलेगा, या ग्रिड सॉफ्टवेयर का, उसमें आपका बिन फोल्डर है। बिन फोल्डर में ASM टूल आपको मिलेगा। ओके, इस ASM टूल की मदद से आप तैयार करेंगे कुछ डिस्क। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आप सबसे पहले डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे अपने विंडोज़ में। आपको कुछ रॉ पार्टीशन चाहिए, जैसे हम लोग पास CDEF ड्राइव्स होती हैं, वो फॉर्मेटेड ड्राइव्स होती हैं, फॉर्मेटेड पार्टीशन होते हैं, या तो NTFS में या FAT में। ये विंडोज़ का फाइल सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या फाइल एलोकेशन टेबल FAT। हमें कुछ रॉ पार्टीशन चाहिए अपने ऑरेकल ASM इंस्टॉलेशन के लिए, ऑरेकल ASM की डिस्क के लिए। अगर आपके पास रॉ पार्टीशन नहीं है, तो आपके पास किसी एग्जिस्टिंग डिस्क में अगर कोई खाली स्पेस है, तो आप उससे उसे श्रिंक कर सकते हैं, श्रिंक वॉल्यूम। ठीक है, सपोज आपको 50 GB का पार्टीशन इस वॉल्यूम से एक्सट्रैक्ट करना है, रॉ पार्टीशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है,
इन दैट केस आप यहाँ पे किसी भी ड्राइव से जिसमें अवेलेबल है उसमें से श्रिंक कर सकते हैं। आपको सपोज यहाँ से 100 GB श्रिंक करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें 100 GB इस ड्राइव का जो अनयूज स्पेस है उसको रॉ करना है, यानी बिना यूज़ का। तो हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रॉ पार्टीशन है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस रॉ पार्टीशन में से इसको फॉर्मेट करना है। वन सेकेंड, इसको सॉरी, ये रॉ पार्टीशन नहीं, हम लोगों को एक न्यू बिल्कुल अनएलोकेटेड पार्टीशन चाहिए, तो मैंने उस पार्टीशन को डिलीट कर दिया है। आप न्यू सिंपल वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है इसमें, मैं इस पार्टीशन में जो अप्रॉक्स 100 GB है इसमें से 6 अलग अलग डिस्क बनाने वाला हूँ, अलग अलग पार्टीशन में से एलोकेट करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्पेस प्रॉपरली उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें। लाइक आई एम सेइंग 15,000 MB। ओके, तो इसे कोई लेटर नहीं देना है क्योंकि हमें कोई NTFS या कोई फाइल सिस्टम इसमें नहीं चाहिए। वी नीड अ रॉ फाइल सिस्टम, डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम। सो वी नीड रॉ अनफॉर्मेटेड पार्टीशन। तो हमारे पास आप यहाँ देखोगे कि अप्रॉक्स 14.65 GB का एक पार्टीशन हमारे पास आ गया। इसी तरह फिर से आप करोगे और फिर से 15,000 जो है हमने यहाँ पे, फिर से हमने एक 14.65 GB का एक और पार्टीशन बना दिया। ऐसे ही आप जो है लगभग 97 GB था, तो ऐसे ही लगभग आप 6 जो है रॉ पार्टीशन यहाँ पे बना देंगे। तो वैसे आप देख सकते हो मैंने ये 6 पार्टीशन बना दिए हैं। इसमें से कुछ स्पेस अनएलोकेटेड है तो हमें उसे यूज़ भी नहीं करना है। ये 6 पार्टीशन मैंने क्यों बनाए हैं, ASM का जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, ASM पे जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उसमें हमें इन पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होगी। आपका काम मिनिमम 2 पार्टीशंस में हो सकता है, ओके? बट मैंने 6 पार्टीशन बनाए हैं क्योंकि हमें कमांड्स के थ्रू इन पार्टीशंस को ASM में ऐड करना सीखना है। तो इन 6 पार्टीशंस को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे ASM टूल यहाँ पे रन करना है। तो हम यहाँ कमांड जो है रन कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, और हमें इस लोकेशन पे जाना है। किस लोकेशन पे, जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके बिन फोल्डर में ASM टूल को एक्सेस करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें ये लोकेशन जो है एक्सेस करनी है, राइट? तो हम अपने डी ड्राइव में चले गए। तो आप देखोगे यहाँ पे ASM टूल अवेलेबल है, तो हम उसे एक्सेस करेंगे। आप चाहें तो ग्राफिकल टूल भी एक्सेस कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप ASM टूल जो कैरेक्टर बेस कमांड बेस जो इसका एप्लीकेशन है वो यूज़ करें। ओके, तो ASM टूल माइनस लिस्ट, आप जैसे ही लिस्ट करेंगे तो आप उन 6 पार्टीशंस को जो अभी अभी आपने बनाए हैं 15 15 GB के, वो देख पाएंगे। ये काम आप विंडोज़ में डिस्पार्ट के थ्रू करते हो। यहाँ पे ओरेकल प्रोवाइड करता है हमें ये टूल जिसके थ्रू हम इन पार्टीशंस को ऐड कर सकते हैं या इन पार्टीशंस को लेबल कर सकते हैं फॉर द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन। तो हमारे पास कमांड क्या है, या हमारी जो एप्लीकेशन है ASM टूल, हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमें ऐड कौन सा पार्टीशन करना है, पार्टीशन 7। ओके, तो मैंने इसे पेस्ट कर लिया और इसका जो नाम दिया मैंने Data01, राइट? तो ये हमारी डिस्क 1 है, या इसे हम लेबल कर रहे हैं ASM के लिए रेडी कर रहे हैं। ओके, हमने एक पार्टीशन किया। इसी तरह आप बाकी पार्टीशंस भी ऐड करेंगे। तो हमने 7 ऐड कर लिया, हम लोग 8 को ऐड कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने बताया है आपको प्रॉपर्टीज में जाके क्विक एडिट मोड ओपन करना होगा। ओके, राइट क्लिक से कॉपी होगा, राइट क्लिक से पेस्ट हमने ऐड किया। अगर आप अब देखेंगे जाके माइनस लिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इन डिस्क को ओरेकल के थ्रू लेबल कर लिया गया। यही इनकी आईडी या ऐड करते वक्त जो नाम होगा वो यही होगा, ये अपने आप उसे असाइन कर रहा है। दैट इज़ द ORCL डिस्क या ओरेकल का डिस्क विच इज़ रेडी फॉर द ASM। इसी तरह आप अपने सारी डिस्क को लेबल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इनको लेबल कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो ये सारे डिस्क मैंने ऐड कर लिए हैं।
सारे कमांड्स में ASM टूल के थ्रू आप इनको लिस्ट करके देख सकते हैं। ये सारे पार्टीशन जो है मैंने लेबल कर लिए हैं फॉर द ASM इंस्टॉलेशन। ओके, अगर आप इसे नहीं करेंगे लेबल तो ASM या जो विजर्ड है वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपने क्या किया, एक अनएलोकेटेड स्पेस से एक अनफॉर्मेटेड रॉ पार्टीशन रेडी किए ऑफ द सेम साइज विच इज़ रिकमेंडेड, और मैंने 6 पार्टीशन यहाँ पे रेडी किए हैं, मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन। ओके, और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेटाबेस से पहले ही इंस्टॉल करेंगे। हम लोग सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं, सेटअप एग्जीक्यूट करने से पहले एक और चीज़ मैंने बताई आपको, इस फोल्डर का नाम आपको बिल्कुल नहीं बदलना है वरना सेटअप ओपन नहीं होगा। तो हमारा सेटअप विजार्ड ओपन हो रहा है। ओके गाइस, तो हमारा विजार्ड ओपन हो चुका है। आप ऑरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर रैक यानी रियल एप्लीकेशन क्लस्टर जो एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं या स्टैंड अलोन जो है सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड अलोन सर्वर पे है, एक ही कंप्यूटर है, सिंगल इंस्टेंस पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर ऑरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टैंड अलोन सर्वर, नेक्स्ट करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट करते ही आप देख सकते हो आपके सारे पार्टीशन यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अब इन पार्टीशंस में आप चाहें तो सारे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक मिनिमम 2 आप इसमें से यूज़ करेंगे। तो आपके डिस्क ग्रुप का क्या नाम है, ये एक वर्चुअल डिस्क ग्रुप बनाता है कि हमने 2 डिस्क इस तो ये जो है हमारा डिस्क ग्रुप क्या करता है, वर्चुअल हमारा एक ग्रुप होता है जिसमें आप इन डिस्क को ऐड कर सकते हैं। इनमें से हम सिर्फ 2 डिस्क यूज़ करने वाले हैं, डिस्क 1 एंड डिस्क 2, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, इसमें से कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है। एलोकेशन यूनिट आप चाहो तो बदल सकते हैं, ये 2 की पावर में होता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि डिस्क का साइज ऑड नंबर में नहीं होना चाहिए, लाइक 15001 नहीं होना चाहिए, अगर आपको इस विजार्ड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये 2 डिस्क आपने इस वर्चुअल डिस्क ग्रुप में ऐड कर दी हैं, बाकी की जो डिस्क हैं हम लोग ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद जो है इंस्टॉल करेंगे। मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड, तो हमने 2 इसमें से सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ASM का जो पासवर्ड है वो हमें असाइन करना है। ओके, तो आपका SIS और ASM SNMP ये 2 डिफ़ॉल्ट यूज़र्स होते हैं, आप चाहें तो इनके अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं या दोनों का पासवर्ड आप कॉमन रख सकते हैं। मैंने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना होगा, मतलब एक कैपिटल लेटर नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड देन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑरेकल मैनेजमेंट का होस्ट या सर्वर का नाम देना होता है, तो वो हम इसे स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एंटरप्राइज मैनेजर हमें नहीं चाहिए, ये हमारा ऑरेकल बेस है, यानी आपको ये सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करना है। ओके, तो मेरे पास ड्राइव है M। ओके, तो वहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं ऑरेकल ग्रिड, यहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट ये एक प्री रिक्वेस्ट चेक करता है, ये चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है, लाइक 8 GB इज़ रिक्वायर्ड तो वो चेक करता है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क स्पेस कितना है वो चेक करेगा। अगर सब कुछ सक्सेसफुल है तो आपको ये बिना एरर नेक्स्ट विंडो पे आपको ट्रांसफ़र कर देगा। आफ्टर दैट आप इसको जो है इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, आप इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं, कोई भी एरर आएगी तो आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। ओके, तो वेट करते हैं, इसको आप प्रोग्रेस का चेक करते हैं। गाइस, हमारा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है विद 2 एरर्स। ये इन एरर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपरली अपने ASM इंस्टेंस को इसमें यूज़ कर सकते हो। हम लोग कोई हमें वेरिफिकेशन यूटिलिटी यहाँ पे एक्सेस नहीं करनी है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे और हम अपना यहाँ पे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, यहाँ पे ASM इंस्टेंस सेपरेटली क्रिएट होता है और डेटाबेस इंस्टेंस सेपरेटली क्रिएट होता है,
ऑरकल के डेटाबेस इंस्टेंस की तरह एएसएम इंस्टेंस में भी एसजीए मेमोरी एलोकेट होती है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, और किस तरह से एएसएम टूल की मदद से, एएसएम टूल मैंने बताया आपको एप्लीकेशन है ऑरकल ग्रिड का, जिसके थ्रू आप अपनी जो डिस्क हैं, डिस्क हम लोगों ने कैसे बनाई, डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम लोगों ने एक अनएलोकेटेड स्पेस को, जो कि हमने किसी एग्जिस्टिंग ड्राइव से श्रिंक किया था, अनएलोकेटेड स्पेस से हमने रॉ अनफॉर्मेटेड पार्टीशन बनाए और उसे एएसएम टूल की मदद से ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के विजार्ड में एएसएम में इनिशियल दो डिस्क को हमने मेंशन कर दिया है, बाकी की डिस्क को हम आगे देखेंगे कैसे यूज़ करना है। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ऑरेकल डेटाबेस 19c कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।